Morning children, today we will discuss second colligative property of solution, elevation in boiling point on addition of non-volatile solute in a volatile liquid. यह सपोज करिए, पहले ही बताया हुआ है मैंने. सपोज आपके पास एक कंटेनर है और कंटेनर में आपने volatile liquid water fill करा हुआ है. आपने ऐड करा है small amount of NaCl. NaCl क्या करेगा, ये पार्टिकल इस स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा और ऑक्यूपाई करने से क्या होगा, लेस अमाउंट ऑफ वेपर क्रिएट होगा. ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस करा हुआ है, लेस अमाउंट ऑफ वेपर बनने की वजह से यहां जो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा वो क्या होगा, उसका वैल्यू कम होगा. इट मींस अगर आपको यहां का वेपर प्रेशर 180 करना है बॉइल करने के लिए, देन यू हैव टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा हीट एनर्जी. मतलब ये है कि अगर आपने वाटर लिया और वाटर में NaCl मिक्स करा तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सी से रेज हो जाएगा. रेज क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा ये जो वेपर प्रेशर कम हुआ है उसको कोप अप करने के लिए, बिकॉज ईच एंड एवरी लिक्विड बॉइल्स एट 180. सेम चीज प्योर वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री से, सब जानते हैं. बट इफ यू टेक वाटर एंड NaCl सॉल्यूशन, दिस सॉल्यूशन विल बॉइल मोर देन 100 डिग्री से, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. अगर एग्जाम में आ जाए तो कैसे बोलोगे, अकॉर्डिंग टू रॉल्ट व्हेन वी एड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ वोलेटाइल लिक्विड, वोलेटाइल का मतलब जो वेपर में चेंज हो जाए, व्हेन वी एड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ वोलेटाइल लिक्विड देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज, दिस इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. कर लोगे क्लियर, इसका छोटा सा डेरिवेटिव फॉर्म है, देखते हैं उसको, आगे बढ़ते हैं. हाँ देखिए, इसका एक छोटा सा डेरिवेटिव फॉर्म है. ये ग्राफ देखिए आप, सबसे पहले मैंने ग्राफ ड्रॉ करा वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में फॉर द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन. देखिए सपोज आपके पास वाटर है और वाटर का एक पर्टिकुलर वेपर प्रेशर, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर कैन नॉट बी जीरो, कुछ ना कुछ उसका वेपर प्रेशर हमेशा होता है, क्योंकि आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है Evaporation take place at all the temperature. इसलिए मैंने जो ग्राफ के पॉइंट्स हैं जीरो से स्टार्ट नहीं करना, ध्यान रखना है ना. जैसे आप हीट करना स्टार्ट करोगे द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट वाटर इंक्रीज एंड अल्टीमेटली उसका वैल्यू हो जाएगा यहां जाकर 180. ये 180 क्या है, दैट इज अ बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू. मतलब यहां जाकर क्या हुआ, आपका सॉल्वेंट बॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा. सेम केस आपने सॉल्यूशन लिया वाटर एंड NaCl का, अगेन आपने हीट करना स्टार्ट करा, हीट करा, अगेन हीट करा आपने, इसका प्रेशर हुआ यहाँ 180, अगेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग. तो ये देखिए सॉल्वेंट बॉइल हो रहा है इस पॉइंट पर जाकर, सॉल्यूशन बॉइल हो रहा है इस पॉइंट पर जाकर, दोनों केस में जो बॉइलिंग पॉइंट का प्रेशर है वो क्या है आपका 180. इफ यू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो ये वैल्यू क्या आएगा आपका निकलकर, ये वैल्यू आएगा द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एट विच योर वॉटर बॉइल या सॉल्वेंट बॉइल. इसको बोला हमने टीबी नॉट. सुन लीजिए ध्यान से, यहां कौन जाकर बॉइल हुआ आपका, सॉल्वेंट. तो ये जो टेम्परेचर की वैल्यू है इसको आपने क्या बोला, टीबी नॉट. यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, यहां कौन जाकर बॉइल हुआ आपका, सॉल्यूशन. इसको आप क्या बोलोगे, टीबी. मतलब NaCl मिलाने पर आपका ये जो बॉइलिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो इतना चेंज हुआ, यानी इतना एलिवेट हुआ बॉइलिंग पॉइंट. तो ये जो गैप है इसको हमने शो करा किससे, डेल्टा टीबी से. इस डेल्टा टीबी को ही हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राफ रॉल्ट ने अपना एक लॉ दिया. अब ध्यान से लॉ सुनिए, अकॉर्डिंग टू रॉल्ट व्हेन वी एड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ वोलेटाइल लिक्विड देन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन. देखिए
जो एलिवेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन. मोलैलिटी नहीं है, दैट इज अ मोलैलिटी. डेल्टा टीवी की वैल्यू प्लेस करोगे तो टीवी माइनस टीवी नॉट आ जाएगा यहां से रीड करके. प्रोपोर्शनल मोलैलिटी ओपन करोगे, केवी इज अ कॉन्स्टेंट. ये इसको हम बोलते हैं मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट, या एक वर्ड और है इसका एब्यूलोस्कोपिक कॉन्स्टेंट. सुन लीजिए, हम बोलते हैं या तो मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट या हम बोलते हैं एब्यूलोस्कोपिक कॉन्स्टेंट. क्लियर है? ये मैंने फॉर्मूला लगाया मोलैलिटी का, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 1000. देखते हैं एब्यूलोस्कोपिक को कैसे आप डिफाइन करेंगे. देखिए फॉर्मूला क्या लिखा है, डेल्टा टीबी इक्वल के बी इंटू मोलैलिटी. फॉर्मूला क्या खोला आपने, डेल्टा टीबी इक्वल के बी मास अपॉन मोलर मास 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम. एक और चीज ध्यान रखिए, क्वेश्चन आ जाए हाउ डू यू प्रूव एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी. कैसे प्रूव करोगे, ये आपकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है. हाउ डू यू प्रूव, तो आप कैसे बोलोगे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. क्या होता है मीनिंग मोल. इफ वी इंक्रीज अ मास ऑफ सॉल्यूट तो मोल का वैल्यू बढ़ेगा, और मोल का वैल्यू बढ़ेगा तो डेल्टा टीबी का वैल्यू बढ़ेगा. बिकॉज डेल्टा टीबी क्या है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलैलिटी से. तो आपको क्या बोल रहा है, व्हेन वी इंक्रीज मास ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल देन वैल्यू ऑफ डेल्टा टीबी इंक्रीज, एंड व्हेन वी डिक्रीज मास ऑफ सॉल्यूट वैल्यू ऑफ डेल्टा टीबी डिक्रीज. इट मीन्स वैल्यू ऑफ डेल्टा टीबी और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टोटली डिपेंड्स ऑन मास ऑफ सॉल्यूट. दिस प्रूव्स दैट डेल्टा टीबी इज अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी. क्वेश्चन आता है हाउ डू यू डिफाइन डेल्टा टीबी, तो आपको लर्न नहीं करना है, रटालॉजी नहीं लगानी है आपको, आपको लर्न नहीं करनी है डेफिनेशन, आपको डेफिनेशन बनाना है. देखिए क्या लिखा आपने, डेल्टा टीबी इक्वल के बी इंटू मोलैलिटी, तो के बी क्या होगा डेल्टा टीबी अपॉन मोलैलिटी. तो डेफिनेशन कैसे बनाओगे, अगर किसी सॉल्यूशन का मोलैलिटी 1 है, या आपने बोला यूनिट है, तो उस सॉल्यूशन का जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है उसको हम बोलते हैं एब्यूलोस्कोपिक कॉन्स्टेंट. कैसे बोलोगे साइंटिफिकली, चेंज इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग मोलैलिटी 1 और यूनिट इज कॉल्ड एब्यूलोस्कोपिक कॉन्स्टेंट. ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलैलिटी 1 है, उस सॉल्यूशन का जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं एब्यूलोस्कोपिक कॉन्स्टेंट. इसकी यूनिट 1 मार्क्स में आपके 1 मार्क में आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछते हैं. यूनिट बहुत सिंपल है, टीवी टेम्परेचर है, यूनिट इज केल्विन, मोलैलिटी का यूनिट केजी अपॉन मोल, ऊपर ले जाओ क्या बन जाएगा केल्विन मोल अपॉन केजी. तो ये आपका एब्यूलोस्कोपिक कॉन्स्टेंट. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दो मोड में आता है, व्हाट आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉन्सेप्ट. एप्लीकेशन नंबर 1 है, जब हम पोटैटो को बॉइल करते हैं देन वी ऐड सम अमाउंट ऑफ NaCl. अगर आपको पोटैटो बॉइल करने हैं तो आप क्या करोगे, आप ऐड करोगे सम अमाउंट ऑफ NaCl. NaCl क्या करता है, आपको बहुत लंबी कहानी बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखनी है, 11th में मैंने बहुत डिटेल पढ़ाया है इसका, एनर्जी ट्रैप हो जाएगा और बहुत सारी चीज बताई, बट बोर्ड में इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है, बोर्ड में बिल्कुल कट टू कट चलना है. हमें क्या लिखना है बोर्ड में, When we add common salt in boiling potato, it decrease vapor pressure and increase boiling point, due to which more amount of heat
is provided to a boiling potato and potato boils quickly. बढ़ते हैं आगे. जनरली इसकी एक ही एप्लीकेशन है, बॉइलिंग से रिलेटेड ही है, कुछ ऐसा खास नहीं है. बॉइलिंग ऑफ पोटैटो, कुकिंग ऑफ फूड वगैरह इसी तरह की एप्लीकेशन है. के भी डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड मोलेलिटी. मोलेलिटी का वैल्यू जितना ज्यादा होगा आपका डेल्टा टीवी का वैल्यू भी उतना ज्यादा होगा. अगर मोलेलिटी का वैल्यू कम होगा तो आपका डेल्टा टीवी का वैल्यू भी कम होगा. सेकेंड पॉइंट, इट ऑल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर. अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा है तो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, बिकॉज एट द मोर टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स विल बी क्रिएटेड. तो आज जो हमने पढ़ाया उसको ध्यान से वीडियो देखिए, समझिए. कल हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 1, डिप्रेशन इन लोअरिंग डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और एक ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे. क्लियर है? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.